Hello and welcome to Kashmir in Focus on MATV Sky 711. You can watch our program live on YouTube channel and our Facebook page as well. Every Tuesday and Thursday at 6:30 UK time, London time, we broadcast this program live for you. Nazreen, jaisa ki aap jante hain, hamare program mein hum aapko jankari dete hain Pakistani kabze wale Jammu Kashmir aur Pakistani kabze wale Gilgit Baltistan ke hawale se jo waqiat pesh aa rahe hain, जो शायद कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं होते, किसी न्यूज चैनल पर भी या किसी भी नेशनल न्यूज़पेपर में वो रिपोर्ट नहीं होते और वो अनरिपोर्टेड चले जाते हैं, उनको आप तक हम पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी, इंडिया की जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, उसमें जो डेवलपमेंट्स हैं या लद्दाख में जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर बात करते हैं। तो पहले चलते हैं हम पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। नाजरीन, पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में जो शगर है, वहां के लोग 18-18 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग का शिकार है। इसकी वजह यह है कि शगर की तमाम बिजली जो है वो अब दासू डैम जो तैयार हो रहा है उसके लिए वो वक्फ कर दी गई है और लोगों में बड़ी बेचैनी पाई जाती है। और मेरा जाती ख्याल यह है कि अगले हफ्ते ये खबरें भी आएंगी कि वहां पर लोगों ने इसके खिलाफ मुजाहरे शुरू कर दिए। इसी तरह से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खरमंग में जो है वो तोरगों बाला में जो मिडिल और हाई स्कूल के टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने एक जबरदस्त कल मुजाहरा किया है और उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना हुए तो वो कारगिल रोड को बंद कर दें। जहां कारगिल रोड हमें ये भी याद दिलाती है कि कारगिल और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो लद्दाख का हिस्सा है और आज भी वो रोड कारगिल रोड कहलाती है। वहां ये बात भी काबिले तवज्जो है कि मिडिल और हाई स्कूल में टीचरों की कमी इतनी ज्यादा है कि क्लासेस जो है वो मिस हो रही हैं, उनसे वो क्लासेस ले ही नहीं पा रहे टीचर्स, क्योंकि एक एक टीचर जो है वो तीन तीन सब्जेक्ट्स के क्लासेस ले रहा है और अगर वो ओवरलैप हो जाए तो स्टूडेंट्स का बड़ा हर्ज हो रहा है। और आपको पता है कि हमारे देशों में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल जो है ये इसके इम्तिहानात और इसकी जो एजुकेशन का सिस्टम है ये बड़ा इम्पोर्टेंट समझा जाता है। तो अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर एक हफ्ते में ये टीचर्स की कमी को दूर ना किया गया तो फिर कारगिल रोड के ऊपर जो है वो धरना दिया जाएगा। चलते हैं पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में, जहां वैसे तो बहुत बलंग बांग दावे किए जा रहे हैं नई हुकूमत की तरफ से, जो पीटीआई की जाली हुकूमत बनी है वहां पे धांधली से, कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। लेकिन अभी तक तो यही देखने में आ रहा है कि जो सदर हैं बने पीओजेके के बैरिस्टर सुल्तान महमूद और जो वजीर आजम हैं अब्दुल कयूम नियाजी, वो बड़े बड़े हार पहन के तो अपने इस्तकबालियों में जा रहे हैं और बड़ा वो अपनी शोबाजी कर रहे हैं कि जी हम बड़े तुर्रम खान हैं, अब हम वजीर आजम हैं, अब हम सदर हैं, लेकिन अवाम के मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। और इसी हवाले से कल दारुल खिलाफा मुजफ्फराबाद में रिटायर्ड फौजियों ने कई महीने से पेंशन ना मिलने के खिलाफ एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया और उन्होंने डेडलाइन दी है 5 नवंबर की, और उन्होंने कहा कि अगर 5 नवंबर तक हमारी पेंशन जो है वो रिलीज ना हुई, पिछली भी और इस महीने की भी, तो फिर एक बहुत बड़ा मुजाहरा जो है वो एक्सक्यूज मी किया जाएगा मुजफ्फराबाद में। अब सूरत हाल यह है कि ये पोस्ट ऑफिस जाते हैं पेंशन लेने तो पोस्ट ऑफिस वाले कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए कि पूरे पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के जो पोस्ट ऑफिस के पैसे थे वो पाकिस्तान ने रिक्विजिशन कर लिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसको पैसे चाहिए अपने अखराजात पूरे करने के लिए रियासती। तो जराए ये बता रहे हैं कि पोस्ट ऑफिसेज वाले जो है वो ये कह रहे हैं कि पैसे उनके पास नहीं है क्योंकि पैसे जो है वो पाकिस्तान ने रिक्विजिट कर लिए। नाजरीन, हौसला अफजा खबरों में जो खबर है वो ये है कि अमित शाह जी जो है हमारे होम मिनिस्टर, उन्होंने भारतीय यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का दौरा किया और बड़ा कामयाब दौरा किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, वो सड़क के जरिए ही जो है मुख्तलिफ जगहों पर जाएंगे। तो इस हवाले से उनका 3 रोजा दौरा था, मैं चाह रहा था कि आज आपके सामने उनके इस दौरे का एक मुफसल जायजा पेश किया जाए, इसीलिए आज हमारे साथ जुड़े हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर विजय सागर धीमान साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है। आप नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज डिपार्टमेंट जो है
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के में पढ़ाते हैं और कन्वीनर हैं आप एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंक टैंक के जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जम्मू कश्मीर स्टडीज एंड एनालिसिस। नाजरीन मैं आपको बताता चलूं कि ये अपनी नोयत का वाहिद थिंक टैंक है जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में काम कर रहा है और गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स तैयार करके देता है और गवर्नमेंट को सजेशंस देता है और प्रपोजल देता है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर क्या क्या इकदाम किए जाएं, क्या क्या चीजें और क्या क्या जो पॉलिसियां हैं वो अपनाई जाएं ताकि वहां एक तरफ दहशतगर्दी को खत्म किया जा सके और दूसरी तरफ वहां पे जो डेवलपमेंट है उसको कैसे फॉर द पीपल यानी कि अवाम की बेनिफिट के लिए उनको कैसे मौसर बनाया जाए। ब्रिगेडियर साहब आपको नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस लेट। मैं जानता हूँ इस वक्त आपके उधर जम्मू में 11 बज चुके हैं, हमारे तो यूके में 6:30 हैं, आपके उधर 11 है, तो आपका इतनी देर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। भाई ये आप तो होम मिनिस्टर साहब के मेजबान थे इस दफा, तो कैसी मेजबानी की आपने और वो मेहमान हमारे लिए क्या तोहफे तहाइफ लाए? देखिए होम मिनिस्टर साहब की जो विजिट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। इस वक्त जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो एक प्रेसिपिस पे है, आई वुड से एक एज पे है कि जब तक पहले भी सिक्योरिटी ऑपरेशंस जेएंडके में चलते थे परंतु वो सब कंट्रोल होते थे लोकल पॉलिटिशियंस जो प्रॉब्ली ISI से मोटिवेटेड थे या उनके सिंपथाइजर थे या हुरियत से मोटिवेटेड थे, तो वो जो सिक्योरिटी एजेंसीज काम करती थी उनको काम करने नहीं देते थे। परंतु अब क्या हुआ है कि जब 370 एब्रोगेट हुआ है आज से 2 साल पहले, तो उसके बाद सारा कंट्रोल ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिल्ली में चला गया। अब उससे क्या है कि जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज है, चाहे वो J&K पुलिस है, इंडियन आर्मी है, ED है, NIA है या बाकी रॉ IB इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो सब एक बड़े ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रही हैं और उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब रिजल्ट्स मिलने का जायजा ये हुआ कि उन्होंने बिल्कुल अपनी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है आर्मी ने सील कर दी है, इन्फिल्ट्रेशन 99% कम हो गई है और लोकल जो टेररिज्म या जो भी उनकी टेररिस्ट एक्टिविटीज थी वो भी खत्म हो गई है। सो मच हो कि जो इतने घबराए हुए हैं ISI वाले कि उन्होंने 3 डिफरेंट तंजीमें और तैयार कर ली हैं TRF जैसी, परंतु उनको भी ऐसा जबरदस्त पकड़ा हुआ है कि उनके पास और कोई चारा नहीं था कि उन्होंने एक अपना जो स्ट्रेटजी थी जो उसकी टेररिज्म फैलाने की वो चेंज कर दी। उस स्ट्रेटजी वो ये बनाई कि उन्होंने हाइब्रिड टेररिस्ट बनाने शुरू कर दिए कि एक नॉर्मल आदमी जो कल तक स्लीपर सेल था या ओवरग्राउंड वर्कर था और वो आज वो एक छोटी सी पिस्टल जो कहीं पे भी छुपा रखी है किसी भी गली में घुस जाता है तो वहां जाके मोटिवेटेड किलिंग्स करता है, सिलेक्टिव किलिंग करता है, चाहे वो बाहर के लोग हों, चाहे वो पंडित हों, हिंदूज हों। तो उससे क्या है कि ये एक नया स्ट्रेटजी शुरू हो गया। अब ये एक किस्म का आई वुड से ये एक डिवाइड पे आ गया है। तो वहां पे होम मिनिस्ट्री में पिछले 10-12 दिनों से रोज ही समीक्षा होती है इस चीज की कि क्या हुआ है, कैसे करना है, तो उसमें सक्सेस मिलनी शुरू हुई तो उसकी वजह से होम मिनिस्टर का दौरा शुरू हुआ। तो पहला पॉइंट तो होम मिनिस्टर के दौरे का ये कन्वे करता है कि जो उनकी लेटेस्ट स्ट्रेटजी है, जो उन्होंने जो नए टेररिस्ट की नई स्ट्रेटजी है उसके अगेंस्ट जो मुहिम शुरू करी है उसमें उनको 100% सक्सेस मिल रही है, बहुत ज्यादा सक्सेस मिल रही है और ये लोगों का मनोबल बनाने के लिए बहुत जरूरी थी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज होम मिनिस्टर की विजिट से गया। दूसरा होम मिनिस्टर की विजिट से जो मैसेज गया वो ये था कि जितने भी विक्टिम्स थे, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के थे या सिविलियंस थे, होम मिनिस्टर ने जाके उनको विजिट किया, कॉम्पनसेशन की बात करी और उनसे उनके जख्मों पे जो कहते हैं वो डॉब करना शुरू किया और वो लोगों को लगा कि लुक अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हिंदुस्तान एज ए कंट्री हमारे साथ खड़ा है क्योंकि होम मिनिस्टर हमारे बीच है। तो वो सेकंड मैसेज था। तीसरा मैसेज जो ये गया, अभी ये खीर भवानी एक हिंदुओं का बहुत इंपॉर्टेंट पंडितों का टेंपल है श्रीनगर के अंदर और वहां पे होम मिनिस्टर ने जाके पूजा की और उसके मैसेज ये गया कि यहाँ पे धार्मिक सुधारता जो है वो अच्छी तरह फैल रही है। यहां मैं इसलिए बोलूंगा कि जब पंडितों का यहां से पलायन हुआ तो खीर भवानी की जो मेंटेनेंस थी वो मुस्लिम्स करते थे थ्रू आउट, जब वो पंडित वहां नहीं थे
उस पूरे मंदिर की मेंटेनेंस या जो भी पूजा अर्चना जो भी करता था एक आधा पंडित, बट लुकिंग आफ्टर जो थी वो मुस्लिम समुदाय की थी। तो वो एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण था कि हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, एक दूसरे से मिल बांट के रहने की बात करते हैं, ना कि ISI के उससे बात करते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट जो होम मिनिस्टर की विजिट में गया वो था डेवलपमेंट ऑफ JNK। अभी मैं आपको बताऊं, होम मिनिस्टर ने कई प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन करी है, उसमें जो मेन है जैसे JNK का, जैसे जम्मू से लेकर के बारामूला तक की रेलवे लाइन है, उसमें हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन रहा है विच इज हायर देन द आईफिल टावर, इट इज अ मार्वल ऑफ द वर्ल्ड, वो JNK के अंदर है। उसी तरह से टूरिज्म के जितने भी नए प्रोजेक्ट चले हैं वो JNK के अंदर है। कताकलामी माफ, ये जो ब्रिज है इसके बारे में हमें बताएं कि हमारे POJK के लोग जो है ना वो बड़े सरप्राइज हैं कि दुनिया का टॉलेस्ट ब्रिज बन रहा है, इसकी ऊंचाई अगर आप जानते हैं वो भी बताएं और लंबाई भी बताएं, और ये क्या ये टू ट्रैक है, क्या इसमें ऊपर रेल है नीचे गाड़ी है, इस तरह का कुछ सिस्टम बन रहा है और इसका क्या फायदा पहुंचेगा इस ब्रिज के बनने से? देखिए ये जो प्रोजेक्ट तो काफी पुराना इनॉग्रेट हुआ था, जम्मू से कटरा तक रेलवे लाइन आई, उधर बनिहाल से बारमूला तक गई, पर उनको बीच में जोड़ना कैसे था? बीच में हमारे पास चिनाब रिवर था और पीर पंजाल की ऊंची ऊंची रेंजेस थी, तो बात चल रही थी, परंतु ये 370 जाने के बाद इस प्रोजेक्ट को मिला एक धक्का। हमें एक मिला, एक फोटो दिखाई गई कि ये ब्रिज है जो उसका जब उसका प्रोजेक्ट बना हुआ, तो सबने बोला ये मजाक कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो परंतु अब ये है कि वो बनना शुरू हो गया है। अब ये ब्रिज जो है इसकी जो हाइट है वो इट इज 45 meters हायर देन द आईफिल टावर, इट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा, इसके बाद जो ये ब्रिज है ये एक अर्थक्वेक प्रूफ है, ये टेररिज्म एक्सप्लोसिव प्रूफ है, यानी कि इसको उड़ाना भी बहुत मुश्किल है। और ये क्या करेगा, इसमें टनल्स भी कुछ बन रही है, तो दिल्ली से अगर आपने ट्रेन लेनी है आप डायरेक्टली बारामूला तक जा पाएंगे इसके साथ। उससे ये होगा कि जो श्रीनगर के यूथ हैं उनका जो रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ कांटेक्ट है वो बढ़ेगा, और वो सच्चाई देखेंगे कि हिंदुस्तान में क्या सच्चाई है और कश्मीर के अंदर जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है वो क्या है। तो ये इस ब्रिज की खासियत है। इसी तरह से और एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, IIMs हैं, IITs हैं, सबका उन्होंने उद्घाटन किया, कश्मीर में भी जम्मू में भी। टूरिज्म के प्रोजेक्ट हैं कश्मीर में भी जम्मू में भी, और ये सब एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं, और इस किस्म की इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री को लाना है। तो ये जो एक अमित शाह के दौरे की कुछ खास बातें थी। अब कुछ बातें जो हैं जो उन्होंने नहीं की, हम सोचते हैं कि उनको करनी चाहिए। उस पर हम बाद में आते हैं उन पर बाद में आते हैं। मुझे ये बताएं कि डल झील भी गए थे, वहां क्या त्यौहार था, वहां वो किस लिए गए थे डल झील में? देखिए डॉक्टर साहब, अगर आपको याद हो 1947-48 में एक बार पंडित नेहरू आए थे जब शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट बन चुकी थी, तो डल झील में एक परेड हुई थी शिकारों की, जिसमें कल्चरल सांकेतिक चीजें कही गई थी, और वो वर्ल्ड में बहुत मशहूर हुआ था। और आज भी अगर आप मेरे ख्याल में यूट्यूब में या कहीं गूगल में सर्च करेंगे तो आपको सारा वीडियो मिलेगा वहां पे। मैं ये बता रहा हूँ, अमित शाह जी जब आए हैं तो उनके आने के विजिट के पहले देखो डल झील को डीवीडिंग का काम अगेन ये फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने शुरू किया था, पर पता नहीं कितने हजार करोड़ खर्च हो गए पर डीवीडिंग नहीं हुई। अब ये 2 साल में जितना काम हुआ है वो लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और उसी चीज को दिखाने के लिए सिमिलर काइंड ऑफ एक उन्होंने झांकी वहां करी है जिसको काफी अप्रिशिएट किया गया है, और सब ये है। और वो दिखाता ये है कि देखिए कश्मीर जो है ना टेररिज्म एक वॉर टॉर्न जगह की तरह फॉरेन मीडिया उसको प्रेजेंट करता है, बट वहां की संस्कृति, वहां के लोग, वहां का कलरफुल जो अटायर, वहां का कल्चरल सूफीज्म या जो भी उनका शिवाइज्म जो भी है, ये बहुत राज तरंगनी में लिखी हुई है, कलंगन ने किसी जमाने में 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है, तो वो सबको दोबारा दिखाया गया, वो सबको दोबारा दिखाया। ऑफकोर्स अमित शाह जी तो बहुत खुश हुए होंगे, बड़ा एंजॉय किया है अमित शाह जी ने, बड़ा एंजॉय किया होगा, बड़े खुश होंगे। देखिए मैं डॉक्टर साहब, अमित शाह जी ने जो एंजॉय किया, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेजोरिटी ऑफ कश्मीरियों ने एंजॉय किया है, मेजोरिटी ऑफ जम्मू वालों ने एंजॉय किया है। जो भी इवेंट्स हुए हैं वो एक बड़े जबरदस्त, अगर आपको पता हो आज हमारा एक्सेशन डे भी है, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन आज ही साइन हुआ था,
तो उसके बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं हफ्ता भर डिपार्टमेंट टूरिज्म से ऑल ओवर द प्लेस। एंड मैं आज एक टूरिज्म का एक डिपार्टमेंट में मैं भी एक गेस्ट ऑफ ऑनर था, मैं हैरान हो गया 5,000 लोगों की महफिल देख के एक ऑडिटोरियम के अंदर, जो आज जो मेरे ख्याल में कोरोना के अगेंस्ट जाती है, परंतु ये हमने कई कई सालों से देखी नहीं थी जो आज जम्मू कश्मीर में हो रही। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान तो कहता है कि 800 पता नहीं कितने दिनों से वहां जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा है श्रीनगर में। देखिए पाकिस्तान जो बकवास कर रहे हैं, अभी न्यूजीलैंड से पिटने वाले हैं थोड़ी देर में, तो ये सब उनके कहने की बातें हैं, नैरेटिव है ये, उन्होंने जो अपना एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चाइना से सीखा है वो जो चला रहे हैं उनके पैसों से वो बातें कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान दुनिया के जितने भी बुद्धिजीवी हैं जो अपने आप को कश्मीर एक्सपर्ट बोलते हैं, मैं उनको बोलता हूं कि आप अभी अभी कश्मीर से शारजा की डायरेक्ट फ्लाइट भी इनॉग्रेट हो गई है, अगर आप कहीं दाएं बाएं हैं तो आप कश्मीर में अभी आइए, इस वक्त टाइम है, वैसे अभी बर्फ भी पड़ रही है, इज द राइट टाइम टू विजिट कश्मीर एंड सी फॉर योरसेल्फ कि वहां के लोगों का क्या मनोबल है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या अच्छाइयां हैं। मुझे ये बताइए कि अमित शाह जी ने हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उनके साथ एक सिक्योरिटी मीटिंग भी की जिसमें सिविल के लोग भी थे, और वहां उन्होंने एक रोड मैप जो है एक दफा फिर उन्होंने वहां बताया रोड मैप, तो वो रोड मैप के बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताएं, उन्होंने कहा कि स्ट्रेट रूट जो है वो कब बहाल होगी, तो एक रोड मैप दिया उन्होंने। देखिए रोड मैप बड़ा क्लियर है, एक यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आज से 30 साल पहले ने एक यूनिफाइड हेडक्वार्टर नाम की संस्था बनाई थी जिसमें सारी की सारी एजेंसीज सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस सब आए और वो इस टेररिज्म को काउंटर करने का तरीका ढूंढने, परंतु चूंकि हमारे जो बड़े लर्नेड अब्दुल्ला मुफ्ती दूसरे तीसरे जो थे इन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को चलने ही नहीं दिया, वो ऑर्गेनाइजेशन आज पहली बार काम कर रही है, और यहां तक कि जो टेररिस्ट हैं हालांकि वो ISI वाले हैं, ये सिर्फ अफगानिस्तान में कुछ हुआ है तो उनसे उनका थोड़ा मनोबल बढ़ा है तो उन्होंने सोचा कुछ और करते हैं, पर वो कर नहीं सके ना, वो जो न्यूली इलेक्टेड लोगों को मार सके ना मुस्लिम्स को या हिंदूज को मार सके ना, वो अल्टीमेटली जाके आगे आपके जलेबी वाले के पास, आपके रिक्शे वाले के पास, आपके केमिस्ट के पास जो बिल्कुल निहत्थे लोग हैं, तो वो स्ट्रैटेजी उन्होंने चेंज करी, परंतु जो इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी उसको काउंटर करने के लिए बनाई है वो भी एक कारगर सिद्ध हो रही है, और उसी की जो समीक्षा थी उसी की जो ब्रीफिंग थी वो अमित शाह की मनोज सिन्हा जी ने अपने सारे के साथ मिलकर बिठाई है। तो इसमें मैं ये जो एक चलो ये समीक्षा एक रूटीन काम है कि अगर होम मिनिस्टर आएगा तो उसको ब्रीफिंग करनी है पर ग्राउंड पे क्या हो रहा है, परंतु वो यूनिफाइड हेडक्वार्टर काम करना शुरू हो गया है, मैं उसके बारे में खुश हूँ, जो हालांकि एज एनालिस्ट उन्होंने अमित शाह जी ने कहा कि पहले डिलिमिटेशन होगी फिर इलेक्शन होंगे फिर हम स्टेटूट बहाल करेंगे, ये उन्होंने उस इजलास में ये कहा, तो आपका क्या ख्याल है कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए बात बिल्कुल सही है, अब मैं ये बता दूं हमारे उमर फारूक या दूसरे तीसरे पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने बोला पहले स्टेटूट फिर डिलिमिटेशन फिर इलेक्शन, यानी कि उल्टा चाहिए हमको, पर मैं ये बताऊं उनको उल्टा करना चाहिए। हाँ वो क्योंकि उनका वो प्रेफर्ड नैरेटिव है जो वो 1947 से चला रहे हैं। देखिए 47 में क्या हुआ, जितने POGK के शरणार्थी इंडिया में आए थे वो आज भी लेजिस्लेटिव असेंबली से बाहर थे, वो लोकसभा के वोट करते थे पर लेजिस्लेटिव असेंबली में 370 की वजह से वोटिंग अलाउड नहीं थी, प्लस जो फिगर्स थी हिंदूज की या मुस्लिम्स की या कश्मीर वैली की या जम्मू की वो फर्ज थी। देखिए कश्मीर वैली है कितनी, 60 किलोमीटर बाई 80 किलोमीटर, अब इनकी पॉपुलेशन रेस्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर से ज्यादा कैसे हो सकती है, अगर आप इनको अगर कश्मीर में अगर आप देखें जैसे लोग बारामूला के हैं या जो शमशाबाड़ी रीजन के क्रॉस हैं किशन गंगा के हैं या रजौरी पूंछ के हैं उनको वो पार वाले बोलते थे, तो तब भी वो पार वाले थे, तो आज उनकी जो वो है, इसलिए डिलिमिटेशन जो फ्रेश है फ्रेश सेंसस करके डिलिमिटेशन करना बहुत जरूरी है ताकि वो जितने भी नाइंसाफियां हुई हैं इनजस्टिस हुए हैं एज रिगार्ड्स द रिप्रेजेंटेशन उनको करेक्ट कर किया जा सके, उसके बाद जब करेक्ट हो जाता है तो फिर आप कराइए इलेक्शन और उसमें देखिए जिसकी भी मेजोरिटी आती है उसको गवर्नमेंट करने दीजिए और गवर्नेंस जिस तरीके से कर सकते हैं वो करिए। अब डिलिमिटेशन कितनी देर में होगी ये अभी जो उनकी कमीशन देसाई साहब की चल रही है उनकी मीटिंग्स होती हैं और उन्होंने इनपुट्स ली हैं,
सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, एंड दैट्स अ गुड जॉब एंड वी होप ही डज इट वेरी सून, एंड हमें वो चाहिए, क्योंकि मिलिट्री सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का नहीं हो सकता. मिलिट्री एंड अ लिमिटेड पीरियड में उसको कंट्रोल कर सकती है. अल्टीमेटली इट हैज टू बी ए सोशल सोल्यूशन, पोलिटिकल सोल्यूशन. तो वो पोलिटिकल सोल्यूशन तभी आएगा अगर हमारे यहाँ इलेक्शन होंगी आफ्टर डिलिमिटेशन, और फिर स्टेटहुड भी वापस आए, और अब हो सकता है अगर लद्दाख है उसको भी वापस मर्ज करें. हमारी जो महाराजा हरि गुलाब सिंह की जो अर्स्टवाइल स्टेट है, हम उसको एज ए अर्स्टवाइल स्टेट इन वन जगह पे देखें. बट दैट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस ड्रीम, इट टेक टाइम. बिल्कुल आपने सही फरमाया, और आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है. आज वो दिन है जब रियासत जम्मू कश्मीर और भारत की रिपब्लिक जो है ये बगलगीर हुए थे, और ये एक ही बड़े जिस्म का हिस्सा बने थे और बड़ा अहम हिस्सा बने थे. लेकिन अभी आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग अक्सर मुझे पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि जी हिंदुस्तान के साथ हमने हो जाएंगे, कब हो जाएंगे, कब हो जाएंगे? तो आपके जेहन में कोई है टाइम लाइन या कोई ऐसा कि क्या इसका रिजल्ट निकलेगा, कैसे होगा, कब होगा? देखिए मेरी समझ में टाइमलाइन देना तो बहुत ही मुश्किल है. इवेंट्स का पता नहीं होता. कल तक ये भी बोला जा रहा था कि 370 नहीं हिल सकता, पर मोदी जी ने आगे के झटके में खत्म कर दिया उसको. हालांकि उसका भी कुछ क्रिटिसिज्म है. मेरी अपनी बेटी स्विट्जरलैंड में रहती है, वो कहती है पापा ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, पहले डिस्कशन होनी चाहिए थी. मैंने कहा बेटा डिस्कशन के बाद कुछ नहीं होता. उसी तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान जो पीओजेके के, मैं भी काफी पीओजेके के लोगों के साथ टच में हूँ. उनके व्हाट्सएप 3-4 ग्रुप्स हैं, उनमें मैं मेंबर हूँ. मैं उनके देखता हूँ उनके क्या व्यूज हैं. उनके भी यही व्यूज हैं कि अर्स्टवाइल महाराजा गुलाब सिंह की जो रियासत है वो बहाल हो, पर वो धीरे धीरे बहाल होगी. पहला स्टेप ये होगा प्रॉब्ली हम JKUT को वापस स्टेट में लाएं, फिर शायद गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख को ज्वाइन करें, फिर पीओजेके के लोग. अभी देखो पीओजेके में अभी आपने दो नाम लिए, सदर का और प्राइम मिनिस्टर का. वो आई एम श्योर वो एक शैम गवर्नमेंट है जो इमरान खान साहब की है, तो वो हमारी बात क्यों मानेंगे? हमें तो जनता के साथ जुड़ना है, जनता के अंदर एक व्यू क्रिएट करना है, भाई आप इकट्ठा होना चाहते हैं नहीं होना चाहते हैं. उसके बाद देखें कुछ लोगों का व्यू है कि JNK अर्स्टवाइल JNK स्टेट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो भी सोचा जा सकता है. परंतु आज जब हम हिंदुस्तान के साथ चल रहे हैं, हमारा फ्यूचर उनके साथ लगा हुआ है और हमें उनके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लाइक स्पेशली वन स्टेप बैकवर्ड टू स्टेप फॉरवर्ड की पॉलिसी हमें अपनानी पड़ेगी. नाजरीन आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया. हमारे साथ थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर विजय सागर धीमान साहब, और उन्होंने बड़ी तफसील से आपको अमित शाह जी के विजिट के बारे में बताया. बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अमित शाह जी का कि वो हमारी वादी में आए और हमारे लोगों के साथ घुल मिल गए, और उम्मीद करते हैं कि उनको वो खुश गए होंगे हमारे जम्मू कश्मीर से. 3 दिन वो रहे वहां पे, और हम उम्मीद करते हैं कि ये आइंदा भी आते रहेंगे. नाजरीन आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद. Save money when you're a co-op member. We send personalized offers to your phone every week. The only hard bit is choosing what you buy.